Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो बिग बॉस 15 की पहली एविक्शन हो गई है दोस्तों। तो पहली एविक्शन के बारे में बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि मतलब जैसा क्या है, पहले जो बिग बॉस होते थे लगातार ये होता था कि पहले हफ्ते कोई एविक्शन नहीं होती थी, तो इसके लिए यहाँ पे भी अंदाजे लगने शुरू हो गए थे कि नो एविक्शन दिस वीक। लेकिन सलमान खान ने आते ही ये कह दिया था कि भैया एविक्शन तो होगी। तो 13 लोग नॉमिनेट हुए थे, बिग बॉस ने सारे के सारे घर को नॉमिनेट कर दिया था। अब यहां पे एक व्यक्ति ऐसा था जो कि सबसे कमजोर कड़ी था, बाकियों का गेम में फिर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, लेकिन साहिल श्रॉफ की कोई गेम नजर में नहीं आ रही थी बिग बॉस के घर में। मतलब ये होता है कि कईयों को तो चांस मिल जाए तो थोड़ा सा एक आध हफ्ते उनको समझ में लगता है, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत तेज थे। यहाँ पे तो कुछ कंटेस्टेंट ने तो लव अफेयर भी शुरू हो गया एक हफ्ते में, लेकिन इनको गेम ही नहीं समझ आई, बिल्कुल भी उनकी गेम जीरो थी। तो इसके लिए मेकर्स ने ये सोचा कि एविक्शन तो चलो कर ही देते हैं ना, आगे जाके दिवाली के मौके पे नो एविक्शन काम में आएगी। तो साहिल श्रॉफ जो है बिग बॉस 15 के घर से बाहर हो चुके हैं, एविक्ट हो गए हैं। तो इससे थोड़ा सा बाकियों को भी थोड़ा सा झटका भी लगेगा। और क्या कहना है आपका साहिल के एविक्शन के बारे में? ये तो मतलब हमने वोटिंग ट्रेंड में आपको क्लियर कट बता दिया था, मात्र 1% वोट पड़ रहे थे साहिल श्रॉफ को, सबसे कम वोट पड़ रहे थे। हंगरी स्पिरिट चैनल ने आपको विद परसेंटेज बताया था कि किसको कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं। तो साहिल श्रॉफ बिग बॉस के घर से बाहर हो चुके हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद।